तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, समस्या यहाँ पे आजकल ये आ रही है, ई शिक्षा कोर्स पे जो भी लोग हाजिरी बना रहे हैं, स्कूल में इन हो जाता है लेकिन आउट बहुत ज़्यादा, मतलब स्कूल में आप खड़े हैं लेकिन 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर, 800 मीटर दूर दिखाता है। ये बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, ग्लिच कर रहा है थोड़ा बहुत। तो और अभी जबकि पूरे तरीके से शिक्षक जुड़ भी नहीं पाए हैं, अभी मेरी खुद जो है हाजिरी ऑनलाइन नहीं बन रही है, कल मैं देके आया हूँ शिक्षा कोर्स वाला फॉर्म भर के। तो ये सब चीज़ें, तो समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है हल्का सा, कि कहीं पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, कहीं पे जो है ऐप क्रैश हो जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में लोग उस पर जो है सर्वर, मतलब उस पर एकदम जाके सर्व करते हैं, यानी कि ब्राउज वगैरह करते हैं। तो भैया होता क्या है कि सर्वर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बड़ी से बड़ी वेबसाइट जो है क्रैक हो जाती हैं, हैंग हो जाती है। तो अब इकट्ठे जहाँ पे 4-5 लाख लोग जो है इकट्ठे बैठेंगे, मतलब सीधे सीधे शब्दों में किसी भी सर्वर पे 4-5 लाख लोग जाके इकट्ठे काम करेंगे, तो वो डाउन हो ही जाता है। तो ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कल इसी समस्या को लेके मैं BRC मतलब गया था, और वहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे थे कि सर देखिए मैं स्कूल से हूँ और अब निकल आया हूँ, अब देखिए अब स्कूल में बता रहा है, जब स्कूल में था तब 2 किलोमीटर पीछे बता रहा था। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है कि स्कूल में जब आप आएँ, तो अभी हम लोग केवल स्कूल इन देख रहे हैं, स्कूल आउट वाला टाइम ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, स्कूल इन पे ज़्यादा फोकस है। तो दोस्तों, आप लोग अभी समय पे पहुँच के, जो भी लोग अभी हाजिरी बना रहे हैं वो लोग समय पे पहुँच के स्कूल इन वाला सिस्टम जो है मतलब अपना चालू रखें, और स्कूल इन अगर सही समय पे हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा, ये प्रोसेस जब तक इसमें जो है थोड़ा और एडवांस तकनीकी ना यूज की जाए, तब तक शायद मुझे नहीं लगता ये चल पाएगा कुछ दिनों तक, क्योंकि अभी तो लगभग देखा जाए तो मुश्किल से 60% के आसपास जो है लोग इस पर ऑनलाइन हाजिरी बना रहे होंगे। अभी बहुत सारे BPSC शिक्षक हो गए, बहुत सारे शिक्षक लोग भी हो गए, नियोजित वाले भी, नियमित भी, बहुत सारे लोग अभी हाजिरी उस पर नहीं बना रहे हैं, और उनको अभी वो ID उनकी जो है अभी जो भी है वो प्रोवाइड अभी नहीं की गई है। तो जब इतने लोग और भी ज़्यादा जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा समस्या आने वाली है। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या ये आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। फिलहाल ये सिस्टम कैसा है इसके बारे में आप लोग अपना अनुभव शेयर कीजिएगा, जो लोग उस पर हाजिरी बना रहे हैं कि कैसा क्या अनुभव है और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, ज़रूर अपना अनुभव साझा करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। इन पर ध्यान रखिए, आउट पर कोई ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।